हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपसे आज बात करने वाले हैं पॉइंट के बारे में। इसमें आपको सीखने को मिलेगा आज कि पॉइंट स्टाइल क्या होती है, सिंगल पॉइंट क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट क्या होता है, डिवाइड पॉइंट एंड मेजर पॉइंट क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, तभी सीख पाएंगे। जी हाँ, इससे पहले के ट्यूटोरियल आपने 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो हमने उसमें आपको सिखाया है, स्टार्टिंग टू आपको यहाँ तक मेक ब्लॉक तक बता दिया है। तो अगर आपने वहां तक नहीं देखा है वीडियो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में मिल जाएंगे, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, ये ड्रा टूल बार है, इसमें यहाँ पे ये पॉइंट का कमांड दिया हुआ है। तो सिंपली पॉइंट के कमांड पे क्लिक करेंगे, देन एंटर 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 एंटर, जितना भी पॉइंट हमने लगाना हो एंटर करके पॉइंट लगा देंगे। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये एंटर तो कर दिया, बट इसमें पॉइंट शो क्यों नहीं कर रहा, हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है। तो सिंपली गाइस, अगर आपको पॉइंट तो लग गया है लेकिन इसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए सिंपली आपको जाना है फॉर्मेट में, और यहाँ से आपको पॉइंट स्टाइल में जाना है। यहाँ से आपकी हमारी जो स्टाइल थी वो बिल्कुल जीरो थी, यानी कुछ भी नहीं था उसमें, तो आपको शो नहीं होता। तो अगर हम इतना छोटा सा पॉइंट लगाएंगे तो ये छोटा वाला आ जाएगा। इतना जितना भी जैसा भी स्टाइल आपके पास, मल्टीपल स्टाइल्स हैं, आप जैसा भी स्टाइल रखना चाहो वैसा रख सकते हो। तो गाइस, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारे पास था सारे हाईलाइट हो चुका है गाइस। तो आप इसका अगर साइज छोटा बड़ा करना चाहो तो यहीं से आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। पॉइंट स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से आपको साइज दे रखा होगा, तो ये शो कर रहा है सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन। स्क्रीन के अकॉर्डिंग करना है, जैसे हमें स्क्रीन के अकॉर्डिंग अगर इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से 5 की जगह पर 10 कर देंगे, देन ओके कर देंगे, स्क्रीन अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ गया है। देन इसके बाद में गाइस, इसका साइज अगर हमें अपने यूनिट्स को अकॉर्डिंग अगर रखना है तो सिंपली फॉर्मेट में जाएंगे और पॉइंट स्टाइल में जाके यहाँ से सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स, यूनिट्स को अकॉर्डिंग हम इसका साइज सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे भी हमारा यूनिट होगा सेट कर रखा होगा, जिस तरह से हमने डायमेंशन सेट कर रखी होगी, तो ओके करेंगे, तो आप देख सकते कितना लार्ज हो गया है, क्योंकि इसमें हमारा यूनिट काफी लार्ज है, काफी हमने इसको डिस्प्ले को जूम कर रखा था, तो इसलिए इतना बड़ा लार्ज होके आ रहा है। तो गाइस, हम अपने पिछले फॉर्मेट में बैक जाके और इसको फिर से इसका साइज 5 कर ले रहे हैं, जस्ट आपको सिखाने के पर्पज से हमने इसका साइज बढ़ा लिया था। तो गाइस ओके, देन आपको अगर पॉइंट लगाना हो लाइन को, आपको सिंगल पॉइंट यूज करना हो तो आप सिंपली यहां से भी ले सकते हैं, सिंगल पॉइंट सिंगल हो गया। देन अगर आपको यहाँ से PO एंटर करके आपकी शॉर्टकट की है, PO एंटर करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट एंटर करेंगे तो आपका सॉरी यहाँ से है पॉइंट आ गया, देन PO ये पॉइंट आ गया, PO एंटर करके एंटर करेंगे ये आपका सिंगल पॉइंट लग जाएगा। देन आपको अगर सिंगल पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं, ड्रॉ में जाएंगे, पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से सिंगल पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट आ गया। मल्टीपल पॉइंट के लिए भी आप यहाँ से ड्रॉ में जाके मल्टीपल पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं गाइस। मल्टीपल पॉइंट के लिए डायरेक्टली कमांड, यहाँ से भी आप मल्टीपल पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ से मल्टीपल पॉइंट लगा सकते हैं गाइस। सिंगल पॉइंट मल्टीपल पॉइंट में यही डिफरेंस है गाइस कि एक बार आप सिलेक्ट करने पर एक जो पॉइंट लगे वो सिंगल पॉइंट होगा, और एक बार सिलेक्ट करके अगर आपको मल्टीपल पॉइंट चाहिए, मल्टीपल जगह पे लगाना होता तो वो मल्टीपल पॉइंट हो जाता है गाइस। तो इसमें ये डिफरेंस है आपका। नेक्स्ट है आपका गाइस, आपको बता दें नेक्स्ट है इसमें आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। ड्रॉ टूल कमांड में जाएंगे, पॉइंट में जाके आप डिवाइड वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो इससे पहले हमें अगर जरूरत रहेगा एक लाइन का, तो लाइन कमांड सबसे पहले यूज करेंगे, लाइन हाईलाइटर लाइन के लिए, देन ओके। अब हमें सिंपली ड्रॉ कमांड में जाना है, पॉइंट पे जाना है, डिवाइड पे डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं,
देन अभी दूसरा मेथड भी हम आपको बताने वाले हैं। पॉइंट इसको ले लिया यहाँ से, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहा है गाइस कि इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करना है। गाइस हम फाइव सेगमेंट्स में अगर डिवाइड करना है तो फाइव एंटर। तो आप देख रहे होंगे कि आपको पॉइंट तो चार ही दिए, लेकिन लेकिन पॉइंट आपको चार दिए हैं, लेकिन आपको लाइन का जो सेगमेंट्स है आपको फाइव सेगमेंट्स में डिवाइड करके दे रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने भाई नंबर तो पांच डाले हैं तो इसमें चार क्यों बन के आ रहे हैं इसमें पॉइंट। तो पॉइंट का ही काउंट नहीं करता है गाइस, सेगमेंट्स का काउंट करता है डिवाइड करने के लिए लाइन को। अगर इसी की जगह पे अगर हम किसी सर्कल को ले लेते हैं सी इंटर और इसको डिवाइड करना हो हमें तो डी इंटर करें, वो डिवाइड करने के लिए डी आई वी, इसकी शॉर्टकट कमांड है डी आई वी, डिवाइड करने के डी आई वी करेंगे, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन इसका नंबर ऑफ कितना नंबर में सेगमेंट डालना है, पांच में डाल दिया। तो इसमें गाइस आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव पॉइंट दिया है इसमें फाइव सेगमेंट्स के लिए, क्योंकि ये क्लोज है। तो जो भी आपकी लाइन क्लोज होगी उसमें जितना ही जितना सेगमेंट्स होगा उतना ही पॉइंट होगा, और जो आपकी लाइन ओपन होगी उसमें एक कम होगा, जितना भी सेगमेंट्स होगा उससे एक पॉइंट कम लगेगा हमेशा। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है गाइस आपका मेजरिंग वाला, तो मेजर करके आपको शो कर रहे हैं। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ से आप ड्रा टूल बार में जाएंगे, यहाँ से आप पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, मेजर वाला है। मेजर आपका कैसे होगा, जिस भी डायमेंशन में होगा, जैसे हमारा ये यहाँ पे शो कर रहा है डेसिमल में, तो ये डेसिमल में है। तो गाइस यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, देन आपने जो भी डायमेंशन हो उसको डालना। तो हम जैसे 5.5 पे अगर डिवाइड करना, इसको मेजर करके करना है डिवाइड, 0.5 एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है 0.5, इसकी 0.5, इसकी 0.5। हम आपको मेजर करके दिखाते हैं डायमेंशन। आप लीनियर में गए, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस है देखो 0.5 आ रही है। तो इस तरह से आप इसका मेजर करके भी देख सकते हैं, जितना डालोगे उतना ही आएगा गाइस। तो इस तरह से आप किसी भी ड्राइंग में इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो गाइस। इस वीडियो में आई थिंक आपको काफी सीखने को मिला होगा, तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा तब जब हमारे बेल आइकन को प्रेस करेंगे, अपने घंटा वाले बटन को दबाएंगे और लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, तो आप हमारी वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय बाय।